हेलो एवरीवन सो नीट का 2023 का पेपर हो चुका है एंड हम लोग के पास पीडीएफ फॉर्मेट में वो पेपर आ चुका है सो बेसिकली जो पेपर पे एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है अपने तौर से उसे ये समझ में आता है कि पेपर काफ़ी इजी था काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड थे डायरेक्ट थे एंड एट द सेम टाइम थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो हल्के से ट्रिकी भी थे सो एक एवरेज मार्क्स अगर लेके चला जाए तो वन टू वन मार्क्स अगर एक बच्चा ठीक ठाक तैयारी करके जाता है तो वो स्कोर कर सकता है एक अच्छी तैयारी वाला बच्चा 150 मार्क्स से ज़्यादा ला सकता है तो हम फटाफट फटाफट एक बार पेपर का एनालिसिस भी करेंगे एंड वील गो थ्रू द क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमें नीट के दो के फिजिक्स के पेपर में देखने को मिले हैं सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन टू द पेपर तो जैसा आपने देखा कि जो आपका पेपर है वो जो मेरे पास कोड है यहाँ पर वो H3 कोड है तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बैलेंस कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किधर है आपके पेपर में uh, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन जो सबसे पहला क्वेश्चन है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है सो so क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है हमको द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द सर्किट इज आपको करंट के बारे में बताना है तो so मैं इस क्वेश्चन को ले चलता हूं ओके okay. तो सर्किट जैसे कि दिख रहा है आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है बहुत इजी सर्किट है दो बैटरीज लगी हैं और तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये बैटरी जब इस तरीके से लगाई जाती है तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं राइट right? सो दस वोल्ट का जो फ्लो है और जो पांच वोल्ट का फ्लो है वो एक दूसरे के साथ नहीं है एक दूसरे के ऑपोजिट है इस वजह से जो नेट वोल्टेज बचेगा वो नेट वोल्टेज होगा फाइव सो नेट वोल्टेज इज फाइव वोल्ट राइट एंड जो सर्किट में आप करंट देख रहे हैं वो एक ही करंट होगा इसका मतलब ये सारे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं बचपन में सिखाया जाता है टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस सेवन टेन सो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया टेन oh, अगर करेंट की बात करें तो बनेगा दैट दैट इज वोल्ट अपॉन विल गिव यू द आंसर आंसर ऑफ लेकिन ध्यान से तो आ गया ए पर डायरेक्शन को भी क्रॉस चेक कर ले तो आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे सो so, अगर डायरेक्शन देखी जाए तो हम लोग ने बड़ी बैटरी दस वोल्ट को जिताया है सो so, जो डायरेक्शन ऑफ करेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा मतलब फ्रॉम ए टू बी एंड थ्रू ई तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन होगा लेट्स मूव टू द द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 अगले question की तरफ चलते हैं एंड इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज तो बच्चों एक क्लोज सर्फेस का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में जिसको आप बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स राइट लेकिन ये मैग्नेटिज्म वाला घोसलो है राइट हम सबने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जब मैग्नेटिज्म में गौसलो लगाया जाता है तो कोई भी फ्लक्स एनक्लोज नहीं हो पाता है क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट तो मतलब सिंपल सी बात है अगर फ्लक्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सीधा जवाब होगा जीरो तो क्वेश्चन नंबर टू विल हैव एन आंसर ऑफ या जीरो इसका सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री

सोप बबल को फॉर्म करने के लिए कितना वर्क डन होता है या कितनी एनर्जी लगती है तो हमने इसको बोला है सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा और क्या आपको सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद है बिल्कुल याद होगा एरिया इन टू सरफेस टेंशन का राइट अब एरिया में जो गलती आपसे हो सकती है वो छोटी सी गलती ये हो सकती है कि कुछ बच्चे एरिया केवल बाहर का ले लेते हैं और अंदर का एरिया लेना भूल जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि सो बबल में दो एरियाज होते हैं एक एयर आउटसाइड होती है और एक एयर इनसाइड होती है इसलिए डबल करना भूले नहीं सो टू इंटू टेंशन की वैल्यू तो बच्चों बस आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है बाकी सवाल निपट चुका है टू इंटू फोर पाई इंटू रेडियस टू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे टू बाई हंड्रेड का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन पॉइंट जीरो थ्री यूनिट सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं है यहां पर सो so, पॉइंट जीरो थ्री so, सो यहाँ से हम जो भी इसको सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर बनेगा लेट्स सॉल्व दिस ये बनेगा एट पाई टू का स्क्वायर फोर नीचे आएगा टेन की पावर चार यहाँ पे आप तीन बाय सौ भी लिख सकते हैं इसको जरा रफली सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हमें फटाफट आंसर तक पहुँचना है अगर रफली सॉल्व करें तो एट पाई की वैल्यू लगभग चौबीस और फोर इंटू हो जाएगा ट्वेल्व 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 वन फोर्टी फोर मतलब लगभग लग लगभग आंसर 300 के आसपास जाएगा। so, ये ऊपर का जो वैल्यू है ये लगभग के आसपास जाएगा। और नीचे आपके पास 100. So, 100 सो यहाँ so, पर एक है जो की काफी क्लोज है थ्री के दैट इज थ्री पॉइंट जीरो पेपर में कोई नहीं देखता है कि आपने पूरा कैलकुलेशन किया है या आपने रफ कैलकुलेशन किया है जब तक आपका आंसर सही ना हो तो

तो बच्चों अगर उसने आपको सेकेंडरी का सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है और सॉरी प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है और सेकेंडरी का पावर दे रखा है तो मैंने जैसा आपसे बोला पावर का कोई नुकसान नहीं होता सो आउटपुट पावर 60 वॉट है तो इनपुट पावर भी कितनी होगी बिल्कुल सही 60 वॉट सो पी इनपुट भी होना चाहिए 60 वॉट बिल्कुल करेक्ट और अगर इनपुट पावर 60 है तो इनपुट पावर बनती है इनपुट वोल्टेज से

सॉरी वन बाय उमेगा सी और एक्सएल होता है ओमेगा टाइम्स एल तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हो जाता है LC, और और ओमेगा ओमेगा हो जाता है बिल्कुल सिंपल सो हमें पहले निकाल लेना चाहिए और जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मुला लगाएंगे ओमेगा बाय टू पाई सो ओमेगा है LC, और बगल में लगाएंगे टू पाई ये फॉर्मुला जिसको डायरेक्ट भी याद होता वो इसका आंसर जल्दी निकाल लेता चलिए स्टार्ट करते हैं गलती नहीं करेंगे वन बाय रूट एल सी वन बाय रूट एलसी एल की वैल्यू जैसे कि आपको सर्किट में दिखाई दे रही होगी टेन मिली हेनरी टेन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री एंड सी की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है ना भूले जो अंड्रूट के बाहर है राइट सो टेन की पावर यहाँ so, पे बन गया माइनस टू माइनस टू और माइनस सिक्स हो गए माइनस एट माइनस एट काूट करेंगे तो माइनस फोर माइनस फोर का ऊपर भेजेंगे तो प्लस फोर तो ऊपर आएगा

थ्री एंड थ्री चलो कितनी बार सिक्स सिक्स आएगा अगर हमने थ्री माना तो लगभग मान सकते हैं सो so, हमारे पास आंसर आ जाएगा किलो और अगर आपने भी आप नहीं होनी चाहिए थी इसमें सो so, सही जवाब इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन yeah की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा अच्छा कुछ बच्चे ये ना सोचे कि ये चीज किस बच्चे ने पेपर दिया है एक पी डीएफ होते जो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उन बच्चों से लिया जाता है जिनका काम ही होता है कि बस पेपर से पूरा कागज लेके लौटना है राइट तो ये उन बच्चों का ही पेपर है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है टॉपिक uh, इसका है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स में काफी सारे डिवाइसेस जो आपको पढ़ाए जाते हैं सोलर सेल फोटो सेल

कि कुल मिलाकर के पहले वी थी अब तीन वी और जोड़ दीजिए तो मतलब चार वी हो गई सो so, अगर आपकी हो गई है v, तो इसका मतलब कितने गुना होगा के अंदर ऐसा क्या so, 223 16. 16 का से कर लेते इसको थर्टीन so, यहां पर आ गया एंड थ्री टू टू यहां पर एट सिक्स फाइव थ्री थ्री फाइव सिक्स एट कैल्विन हमारा आंसर होना चाहिए लेकिन आंसर डिग्रीज में दिए गए तो फिर से सेल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए माइनस टू सेवन सो यहाँ से बनेगा पांच नौ और ये बचेगा चौदह तो यहां बचेगा दो और तीन थ्री टू नाइन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा सही जवाब होगा जो कि एक तो ऑप्शन से भी मैच कर रहा है आई डोंट नो जिन बच्चों ने थ्री टाइम्स लेके किया होगा उनका आंसर मैच किया है है नहीं नहीं किया आई डोंट नो बट एक बार करके जब वो शायद शायद तो ऑप्शन मैच करे करे और ना अगर करता तो फिर आपको एक मौका और मिलेगा कि आप उसको सुधार दे बट एनी anyway, अब तो पेपर हो चुका है अब इन बातों का को कोई फायदा नहीं है बट नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखा जाएगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ फ्लू जिसको हम फ्लूड डायनेमिक्स भी कहते हैं उसके ऊपर सवाल है और क्या पढ़ते हो एक पढ़ते हो बर्नौली और एक पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन्हीं दो इक्वेशन के ऊपर आधारित सारे सवाल होते हैं वही ये है द वेंचुरी मीटर क्या आपको याद आ रहा है वेंचुरी मीटर कैसा दिखता था हाँ वो ऐसा मोटा सा पाइप थोड़ा पतला होता था फिर दोबारा मोटा हो जाता था राइट स्पीड नापने के काम आता था फ्लो की वेलोसिटी नापने के काम आता था वही है वेंचुरी मीटर और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये दो ही प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी यूज करता है और बर्नौली को भी यूज करता है अब यहाँ पर जो उन्होंने दे रखे हैं जो एग्जाम्पल या दूसरे ऑप्शंस वो तो सच कसम से इतने ऐसे दिए हुए हैं कि अपन कोई भी बच्चा याद हो वेंचुरी मीटर बस चैप्टर में आता था तो भी वो ढूंढ के आंसर निकाल लेगा इसका सही जवाब होगा बर्नॉलिस्ट प्रिंसिपल या इक्वेशन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है द द्हिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद टू वी एवरेज स्पीड इज तो गलती मत करिएगा हाँ, कर 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 तो यहां पर दिया गया है बराबर डिस्टेंस और अगर आप क्लास में पढ़े ढंग से तो आपको एक फॉर्मुला भी डायरेक्ट बताया गया होगा कि बेटा वहां आगे अगर इक्वल डिस्टेंस मिल जाए तो सीधा फॉर्मला लगा दियो टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन वहां पे समय की होती है कमी इसलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए था रिजल्ट वी, वन वी, टू वी, वन वी टू। से एक वी पिटवा दीजिए आंसर आ जाएगा फोर वी बाई थ्री एंड दिस इज ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट सो दिस इज क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द देंथ क्वेश्चन अभी हमें पेज चेंज करना पड़ेगा दसवें क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई थोड़ी सी कम ओमेगा हो गया कम फ्रिक्वेंसी हो गई कम तो उसकी वजह से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए पहला कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करेंट घटना चाहिए अभी आपको बताएंगे displacement current क्या होता था कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए Capacitive reactance, decrease करनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट करेंट इंक्रीज करना चाहिए तो बच्चों अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले इस सवाल के अंदर ए सी सोर्सेज कनेक्टेड टू में अगर आपसे बोला जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC तो एक्स कैसे बनता था अगर आपको याद हो वन बायेगा सी सर राइट अब इन्होंने क्या किया है डिक्रीज कर दिया है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मतलब तो तो होगा क्या ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यार ये तो कोई ही नहीं है तो इसका मतलब हमको ये दोनों ऑप्शन में आंसर नहीं मिला ये दो तो हटी गए अब तो बात हमें डिस्प्लेसमेंट करेंट की करनी ही पड़ेगी अब डिस्प्लेसमेंट करेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टफ टॉपिक बन जाए सर जाएसमेंट करेंट तो बड़ा खतरनाक होता था वो और टी ब खतरनाक सा आता था तो सर ने क्या याद उसको तो नहीं अगर आप इतना भी याद रख लें कि किसमेंट करेंट की वैल्यू कंडक्शन करेंट के बराबर आती थी तो यहाँ से भी काम चल सकता है तो बच्चों अगर एक छोटा सा सर्किट बनाओ उसके लिए है ना जरा सा सर्किट बनाने में कोई हास नहीं है ये अपन ने बनाया कैपेसिटर ये अपन ने लगाया ए सोर्स ठीक है अब तुम क्या जानते हो कि इसका रिएक्टेंस बढ़ रहा है

तो मतलब एयर के अंदर की स्पीड निकल जाएगी बिल्कुल निकल जाएगी सर तो एयर के अंदर की स्पीड जिसको हम वैक्यूम के बराबर भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसको लिख देते हैं सी सी एयर एयर होगा एक्स अपॉन राइट अगला दिया गया है है कि कि वो चलता इन इन टाइम मीडियम जो कि थोड़ा सा डेंसर है तो चलो अगला मीडियम लिख देते हैं सी मीडियम और सी मीडियम लिख देते हैं टेन एक्स अपॉन टी टू आपसे पूछा गया है वॉट इज द क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल एंगल होता है जिसके बाद लाइट टी दिखाने लगती है और जिस पर लाइट ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन दिखाती है अगर आपको वो याद भी है थ्योरी तो भी आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं और अगर आपको डायरेक्ट याद हो कि क्रिटिकल एंगल का डायरेक्ट फॉर्म होता है थीटा सी टू साइन इनवर्स बाय म्यू म्यू इस मु क्या होता था ये म्यू में क्या क्या होता था म्यू होता था रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर और यहाँ रेयर फोन है

एयर में बना x by t1 और cd टेंसर टेंसर मतलब मीडियम बनेगा tan x t2 थोड़ा सा सॉल्व करना है एक ही x बटेगा बाकी कुछ नहीं कर सकते आप t2 को चुकाया ऊपर t1 को भेजा नीचे बन गया t2 tan t1 ये आपका रिलेटिव न्यू तैयार हो चुका है बस अब क्या करना है इसको साइन इनवर्स के अंदर ले जाना है सो अगर मैं इसको साइन इनवर्स के अंदर ले जाऊँगा तो याद रखिएगा t2 नीचे आ जाएगा

इंडक्टेंस दे रखा है और हमको करंट दे रखा है कोई समस्या नहीं फॉमला बेस सवाल है सीधा सिक्स, और का 2 का 4. यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एट एन टू टेन की पावर माइनस सिक्स जो कि फिर से माइक्रो रह जाएगा सो आप डायरेक्ट आंसर 8 भी दे सकते हैं विच इज ऑप्शन नंबर टू थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते ये दिख रहे हैं थोड़ा अगल बगल आप बच्चों को थो, थोड़ा सा दिमाग जो कम हो गया होता है थोड़ा कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके लिए गलती करने की संभावना है बाकी फॉर्मुला बेस्ड सवाल है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर पेज चेंज करना पड़ेगा इस तरफ जाना पड़ेगा ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बेस्ड ऑन अगेन सेमी और ये पी एन जंक्शन डायोड पे बेस्ड सवाल है ट्रांसफॉर्मर को यूज करवा रहा है ओहो ये तो रेक्टिफायर का सवाल है रेक्टिफिकेशन में क्या पढ़ाया जाता वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑफ टू पी एन डायर टेप डायस रिमूव दिपल्स हो सकती है एसी रिपल्स को रिमूव करने के लिए क्या लगाया जाता है पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है ये सब जानते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है याद आ रहा है अब एसी के रिपल्स हटाने के लिए क्या किया जाएगा एसी के रिपल्स हटाने के लिए उसको सीधा करने की कोशिश की जाती है जिसके लिए यूज फिल्टर। so, इसका मतलब, इसका सीधा -सीधा, दिमाग नहीं लगाना था एक्स्ट्रा जो थ्योरी पढ़ के गए थे बस उसी थ्योरी को सही तरीके से यूज करना था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन फि

क्लास में इतनी बार इतनी बार बोला जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेट और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेट में उनके पीक वैल्यूज के रेशो को याद रखना है दैट इज ई बाय बी का बिल्कुल सही याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा ई बाय बी का रेशो किसके बराबर होता था सी के बराबर बस उसी बात को आपको यहाँ पे यूज करना है दैट इज द रेशो ऑफ ई बाय बी विल बी बीस टू सी मैं यही सॉल्व कर देता हूँ ई e, फोर्टी एट बिल्कुल कोई समस्या नहीं बी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और सी थ्री इंटू टेन टू द पावर एट इसको इक्वल टू बना देंगे इसको हटा रहा हूँ थ्री इंटू टेन टू दावर एट चलो सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या बचता है तीन ने इसको फोर्टी को मारा सोलह बार और टेन की पावर माइनस एट चंदे दौड़ के इधर गया मैगनेटिफी का आंसर आ गया सोलह इंटू टेन की पावर माइनस एट बिल्कुल कोई समस्या नहीं अब इंपॉर्टेंट है अच्छा अभी तो आंसर दिया है हमको इस आंसर को कहाँ ले जाना है हमको इस आंसर को वन डेसिमल प्लेस तक ले जाना है इसका मतलब क्या करना है हमको इसकी एक डेसिमल उधार ले लिया अगर इसकी एक डेसिमल उठान लेंगे so बेचारा की पावर माइनस एट हो जाएगा टेन की पावर माइनस सेवन एक दस हम वहाँ से उसको दे सकते हैं सो so ये हो जाएगा आंसर आंसर नंबर वन बिल्कुल क्लियर कोई समस्या नहीं क्वेश्चन नंबर अगेन इज बेस्ड ऑन एरर्स राजवल की शुरुआत का टॉपिक

वो किस तरीके के एरर्स मानने चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों काउंट एरर तो नहीं हुआ काउंट एरर तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना इससे टेम्परेचर और वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का क्या लेना देना राइट रैंडम एरर्स थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करा होगा रैंडम एरर्स आते थे अनबायस्ड एरर्स की वजह से अनबायस्ड इंस्ट्रूमेंट्स um, की वजह से ऐसे प्रकार के एरर को हम लोग रैंडम एरर की कैटेगरी में डालना चाहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर अगेन इंस्ट्रूमेंटल एर एरर एक ही हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और पर्सनल एरर्स तो कभी बायस्ड भी हो सकते हैं कभी अनबायस्ड भी हो सकते हैं तो इसका सही जवाब होगा रैंडम एरर्स बाकी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेस्ट बाय अ वेट डब्लू अटैच एट द फ्री एंड तो अगर एक छोटा सा डायग्राम बना ले इसका, so एक वायर है वो डटका हुआ है सीलिंग से सी, और एक कुछ डब्लू वजन उसको खींच रहा है राइट आपको बोला गया है द लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है

हमारा डब्ल्यू हो जाएगा लोड एरिया हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा w by A बाई इट तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन लेट्स अगला क्वेश्चन है जिसमें color coding आपको याद होनी चाहिए अब आप याद करिए कलर कोडिंग क्या थी कलर कोडिंग अगर आपको याद हो तो कलर कोडिंग थी बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अगर आगे के नंबर्स देखें तो टू टू जीरो जीरो तो मतलब इस बार पूरे आ, पूरी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है काफी कुछ आगे के नंबर्स यूज करके काम चल जाएगा अब याद रखिएगा पहला बी था ब्लैक और ब्लैक का मतलब होता था जीरो इसका मल्टीप्लायर होता था वन राइट अगला होता था ब्राउन ब्राउन का मतलब होता था फिर वन और इसका मल्टीप्लायर होता था टेन की पावर वन अगला होता था, था रेड रेड का मतलब होता था, था टू और इसका मल्टीप्लाई होता था, था टेन की पावर टू अगला होता था ऑरेंज ऑरेंज का मतलब होता था और इसका मल्टीप्लाई होता था, था टेन की पावर थ्री तो इस तरीके से हमारी सीरीज काम करती थी आपको याद आ रहा होगा राइट अब काम करते देखते हैं हमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास पहला नंबर है टू पहला नंबर टू मतलब टू का मतलब रेड दूसरा नंबर भी है टू टू का मतलब फिर से रेड और तीसरा नंबर है मल्टीप्लायर हजार पावर थ्री और अगर टेन के पावर थ्री मल्टीप्लाई ढूंढे तो वो है हमारे पास ऑरेंज इसका मतलब इसका सही जवाब होगा थर्ड बैंड ऑरेंज एज सिंपल एज दैट आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आई शुड चेंज द पेज मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए ओके सो नाइनटीन क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है देखते ही पता चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है वर्क फंक्शन लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़िएगा सो क्वेश्चन वर्क फंक्शन दिया है सीजियम का याद होगा आपको सीजियम का सबसे छोटा वर्क फंक्शन होता है फिर पोटेशियम का फिर सोडियम का प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है right? राइट मुझे तो ऐसे याद आ रहा है आपको भी होगा सो सीजियम पोटेशियम सोडियम तीनों के टू पॉइंट वन फोर सबसे छोटा टू पॉइंट थ्री जीरो बड़ा और टू पॉइंट सेवन फाइव उससे थोड़ा और बड़ा इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी एनर्जी ऑफ दे रखी है फोटोन की टू पॉइंट टू जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पूछ रहा है

आपको 2.14 को चेक करना है 2.20 के सामने जो कि छोटा है मतलब अलाउड हो गया यहाँ पर 2.30 बड़ा हो गया नॉट अलाउड 2.75 बड़ा हो गया नॉट अलाउड सही आंसर होगा केवल 2.14 में होगा एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज ओनली सीजियम एंड मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है थर्ड ऑप्शन मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ओनली सीजियम करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी uh, फिर से मुझे दिख रहा है कुछ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड सवाल YDSC, YDSC लिखा हुआ है बहुत लोग तो पढ़ के ही छोड़ देते हैं लेकिन गलती ना करें स्टेटमेंट तो चलो हम बाद में देख लेंगे हम पहले ये ऑप्शंस बाद में देख लेंगे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं ओके। स्टेटमेंट्स कह रहे हैं YDSC

आपको बोला गया कि फुटबॉल प्लेयर था पहले पहले साउथ साउथ की की तरफ जा रहा था। तो दोड़ने 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 रहा।, तरफ जा रहा था जरा मैं डंडा डंडा बना उस पर दौड़ने दौड़ने वाला वाला ये मुझे लगता है कि सोच सकते थे ऐसा कैसे हो सकता है एक आदमी जैसे दौड़ा होगा टेड़ा हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ फील हुआ होगा जहाँ चेंज इन मोमेंटम हुआ चेंज इन मोमेंटम आप सोच खुद सोचो इस बॉल ऐसे आई और टकरा के गई तो किसी बल्ले से पिटी होगी तो बल्ले ने कहा ताकत लगाई होगी तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती थी कि वो बल्ला कुछ ऐसा टाइप का होगा या रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा टाइप का होगा और वो बल्ला कुछ यहाँ फोर्स लगाया हो बेटा इसी से आंसर मिल जाता यस yes, ऑप्शन देख लिया मैंने ऑप्शन इसी से मिल जाता सीधा आंसर मिल जाता नॉर्थ ईस्ट लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं सर सही तरीका बताइए सही तरीका बता देते हैं आपको सही तरीका होगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मोमेंटम बनता है एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल वैक्टर में चलिए एम कॉमन निकाल लेते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है आई कैप तो इसको ईस्ट को आई कैप लिख देते हैं और इनिशियल जो वेक्टर था वो था

अच्छा करते थोडा थोडे कैलकुलेशन वाले सवाल हम अलग से करेंगे ठीक है तो लाइमन बाल्मर मतलब नंबर टू सीरीज और बाल्मर का भी शॉर्टेस्ट याद रखिएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलता था जब सबसे बड़ा ट्रांजिशन होता है और सबसे बड़ा ट्रांजिशन कहां से होता है इन्फिनिटी से तो मतलब इंफिनिटी से कूदे और कहां गिरे 2 पर

लेकिन अगर आप थोड़ा सा मन में भी करें तो जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं दस दस सेकंड बी बीस सेकंड इन सवालों में बचाया जा सकता है वन बाई इन्फिनिटी का आंसर फिर से जीरो इस बार आंसर आ गया डैश का का स्क्वायर ऊंचा के ऊपर आएगा सिक्सटीन बाय आर हमको यही लेमडा को इस लैमडा से टर्म्स में बताना है तो हम ये काम कर सकते हैं यही डिवीजन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि सोलह होता है चार ऊंचा और फोर बाय आर की वैल्यू तो लैमडा है इसका मतलब लैमडा डैश फोर लैमडा के बराबर है इज ऑप्शन फोर

क्वेश्चन ले चलते हैं सो so, दो बॉडीज हैं, एम और नाइन एम ऑन द टू बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड जब जीरो होती है वहां पोटेंशियल बनाने अब बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड जहां जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला वही सेम कॉन्सेप्ट कहलाता है तो पहले एक काम करो पहले वो जगह निकालो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है तो ये एम होता है ये नाइन एम होता है और आपको बताना है कि किस पॉइंट पर पहले कहीं वो पॉइंट पता है ना छोटे वाले के पास छोटे वाले के पास होता है वो पॉइंट जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। यहीं कहीं तो जीरो होगी पहले वो एक्स निकालो ये पूरा डिस्टेंस है आर अब तुम लोग एक्स निकालोगे बड़े तरीके से हमने क्लास में सिखा रखा है शॉर्टकट तरीका शॉर्टकट तरीका है जिससे दूरी निकालनी है उसका अंडर रूट ऊपर दोनों के अंडर रूट का समेशन नीचे

ठीक है अभी इसका, जाएगा, तो इसका चार बनेगा और उसका ऊपर सोलह तैयार है कोई समस्या नहीं कहीं से कहीं तो समस्या। नहीं। थोड़ा सा लेंदी सवाल है बिल्कुल लगेगा एक से डेढ़ मिनट लेकिन अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ट्रिक्स पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी समेट सकते हैं चलिए ट्वेंटी फाइव

अभी क्या है कि हो सकता है कि कुछ जगह बच्चों को ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो धीमे धीमे कि यार वो कुछ एक्सरे के अंदर या कुछ इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज का रिलेशन था अंडर रूट वन फिफ्टी बाई वी ऐसा कोई याद आ रहा हो है ना और इससे हो जाएगी गलत वही चाहते हैं ये चीज कि बच्चा गलत जवाब दे दे उसके नंबर चले जाए यहाँ से तो ये गलती मत करिएगा ये ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला है राइट गलती मत करिएगा यहां पर पूछ रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे अब याद रखेगा एक्सरे के अंदर होता क्या था कि एक्सरे के अंदर जब न्यूक्लियस के बगल से एक इलेक्ट्रॉन गुजरता था तो बेचारा अपनी सारी एनर्जी को वो लूज कर देता था इन फोटोन अब इलेक्ट्रॉन कितनी आता है एच सी एनर्जी जो एनर्जी जो एनर्जी जाती है, निकल जाती है. So, lambda, बस ये फॉर्मुला आपको लगाना था और यहां से लेमडा मिन का आंसर भी क्लास में निकाला जाता है एच सी तो इसका मतलब लेमडा मिंद वी के इनवर्स होगा इसका सही जवाब होगा वन बाई वी तो सही जवाब मैं यहां पे मार्क कर देता हूं वन बाय लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी कह रहा है द रेशियो ऑफ मास रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सेस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सेस इज

और का निकाल लेते हैं अंतर इतना सा करना है बस यहाँ पे टू बाई थ्री करना पड़ेगा राइट और जैसी टू बाई थ्री करेंगे तो उसका आंसर लिख देता हूँ दोनों का है? है दो रेशो और रेशो जब सॉलिड को ऊपर रखना है और हॉलो को नीचे रखना है तो क्या आंसर बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा सो so, ऊपर रखेंगे रूट टू बाई फाइव नीचे रखेंगे रूट टू बाई थ्री आर का टर्म हो जाएगा आपस में कैंसिल रूट टू भी कट जाएगा ऊपर आ जाएगा रूट थ्री नीचे आ जाएगा रूट फाइव तो आंसर होगा शूट थ्री बाय रूट फाइव ये तो यार तो ऑप्शन में भी नहीं दिया ये कैसे हो सकता है चलो कॉन्ट्रोवर्शियल अगेन सो ये चला गया हमारे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल की कैटेगरी में सो so, ठीक uh, है मैं अभी के लिए थ्री बाय फाइव मार्क कर देता हूं क्योंकि आंसर रूट में आ रहा है लेकिन ठीक है एनी anyway, हम आगे बढ़ेंगे बाद, क्योंकि आंसर रूट तो सही है ओके एवरीथिंग इज करेक्ट बट आंसर इज नॉट मैचिंग

रेडियस रेडियस दिया गया उसका एरर दिया गया लेंथ लेंथ दिया गया उसका एरर दिया गया द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी डेंसिटी में एरर बताना है बच्चों मुझे लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन प्रॉपेट और अपने मूड पे नहीं चलते आ जाओ फटाफट फटाफट पहले में क्या दिया गया मास मास में कितना एरर दिया गया ओके okay, मास दिया गया एम उसमें एरर दिया गया बाद में लिख लेंगे और क्या दिया गया रेडियस रेडियस में भी एरर दिया गया ठीक है लेंथ में में एरर एरर दिया गया किससे डेंसिटी डेंसिटी कैसे बनती है मास मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम से तो सर, मास तो सर चलो ऊपर है को क्या लिखे अब देखो जब रेडियस दिया जाता है और लेंथ दिया जाता है तो उसको एक सिलेंडर मान लिया जाए सिलेंडर मानेंगे तो पाई पाईआर स्क्वायर एल ये बिल्कुल सिंपल हो गया सो so, यहां से हम लोग कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस

रिलेटिव एरर, यूनिट लेस होते हैं इनके अंदर आप कोई भी यूनिट सिस्टम पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एरर और उसकी क्वांटिटी, जो मेन वैल्यू है उन दोनों का यूनिट सिस्टम सेम है, है, है? तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक सॉल्व करने के लिए तैयार थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जीरो होगा यहां बन गया होगा हजार हजार ने इसके तीनों जीरो उड़ा दिए तो सीधा बन गया टू बाई फोर टू बाई फोर में लिख देता हूँ डायरेक्ट आके टू क्या होता है सो ने पॉइंट बन गया, फोर, बन गया फोर, फोर से प्लस यहाँ देखते हैं यहाँ क्या किया जा सकता है फिर से इसको दे दिया हमने हजार हजार ने वन को निपटा दिया टू बाई थ्री टू बाई थ्री हो गया पॉइंट सिक्स सिक्स अब देखते हैं आंसर क्या बनता है तो बच्चों प्लस पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ऑप्शन मैच कराना भी जरूरी है ओके uh, okay, तो यहां दो options से हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आ जाए कंफ्यूजन वैसे नहीं आएगा जिसके 1.56 आंसर आ जाता है वो वैसे भी जानता है कि आंसर क्लोज वाली वैल्यू को दिया जाता है सो so, आंसर नियरली भी लिखा है और ऑप्शन भी दिख रहा है लेकिन राउंडिंग ऑफ का जो कांसेप्ट है वो अगर इसमें लगाया जाए तो सिक्स को राउंड ऑफ करने के लिए फाइव को एक से बढ़ा दिया जाए, so, इसका मतलब सीधा आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते एट ट्वेंटी एट क्वेश्चन है इफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो अगर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस का जीरो है ये गॉस लॉ से रिलेटेड है इलेक्ट्रो

कुछ भी कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द सर्फेस इज ने यूनिफॉर्म अगेन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जब चार बार चार बातें बताई आपको कब कब ई डॉट उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी इसके बाद द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग मतलब ई डॉट डी एस जीरो का मतलब फ्लक्स जीरो और फ्लक्स जीरो में हाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है अगर फ्लक्स की ओर से सोचा जाए

क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो मैं पहले चैप्टर का नाम बताता हूँ चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर का पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स ठीक है इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय तो बेटा गेलवेनोमीटर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा अगर गलवे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा तो बताना है आर की वैल्यू क्या होगी अब ध्यान से सुनेगा अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा तो क्या मैं कह सकता कि इस ब्रांच में करंट जीरो होगा बिल्कुल जीरो होगा तो ये दो वोल्ट किसकी किसको मिल रहा है पूरा दो वोल्ट किसको मिल रहा है इस रजिस्टर को इस रजिस्टर को पूरा कितना वोल्ट मिल रहा है दो वोल्ट और इस ब्रांच में तो करंट जाना नहीं है मतलब कौन सा सर्किट फंक्शनल होगा सर्किट फंक्शनल होगा यहाँ से करंट ऐसे आएगा और ये ऐसे बेचारा छोटा चक्कर लगा के घर को चला जाएगा राइट तो ये छोटा सा करंट आपको चलाना था मनी मन में जरूरी नहीं है बनाना बस चला देते हैं मनी मन में अब बताओ इसको दो वोल्ट मिल गया तो इसको बचा बुचा वोल्ट मिलना चाहिए ये तो बैटरी मेन बैटरी है दस वोल्ट की ये अगर वोल्ट इसको मिल गया तो इसको बचा बुचा मिलना चाहिए क्योंकि इसको तो पोषण दो लोग मिले सो यहाँ बोल सकते हैं कि मिल गया होगा आठ वोल्ट अगर आठ वोल्ट इसका है तो चार सौ है तो यहाँ से करंट मिल जाएगा तो करंट कितना मिल जाएगा बच्चे करंट मिल जाएगा या आप एक काम करिए ना करंट भी क्यों निकालना आप जानते हैं वोल्टेज का रेशो जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशो से मैच करता है यहां से भी कर सकते हैं तुम्हें तो करंट से जाना है तुम तो करंट से, तो से भी जा सकते हो यहाँ का करंट निकाल लो वो भी वही यहाँ जा रहा होगा यहाँ तो जाना नहीं है तो वही करंट यहाँ जा रहा होगा लगा देना वी पल टू आई आर सीधा आंसर आर का लेकिन अगर तुम्हें तो लगता है नहीं नहीं हम तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट करेंगे तो उसको दो मिलाए इसको आठ मिलाए ये रेशो है फोर का तो रेजिस्टेंस का भी रेशो होगा फोर तो अगर ये चार है तो ये कितना होगा हंड्रेड डायरेक्ट आंसर है एंड द ऑप्शन द राइट ऑप्शन विल बी हंड्रेड नो प्रॉब्लम कहीं से नहीं था कोई समस्या नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग एनर्जी ओके स्प्रिंग एनर्जी का द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ट बाय टू सेंटीमीटर इज यू तो एक लंबी सी स्प्रिंग की एनर्जी बताइए जब उसको दो सेंटीमीटर खींचा गया है,

स्प्रिंग स्ट्रेस्ट बाई एट सेंटीमीटर फर्दर नहीं लिखा है ये नहीं लिखा है कि पहले दो खिंची हुई थी अब आठी बस ऐसा है कि अगर आठ तक खिंची होती आठ आठ खिंची हुई मतलब होती तो गलती मत करेगा क्योंकि ऐसे सवाल हमने अपने मॉड्यूल में भी दे रखे हैं और आपने करके अंदर उनके अंदर फर्दर बोल देता है हार्ट और फर्दर खींच दिया तो तो टोटल एक्सटेंशन कितना तो होता है दो और आठ दस लेकिन ऐसा यहां नहीं करना है यहां लिखा है स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई एट बस ये नहीं लिखा फर्दर बाई एट नो

थर्टी वन थर्टी वन थर्टी बहुत ही आसान बहुत ही डायरेक्ट मैं इस पर कैसे मैं क्लास में बोलता हूं कि ये याद कर लो ये याद कर लो ये याद कर लो तब शायद कुछ बच्चे वैल्यू नहीं करते अपने टीचर्स की लेकिन जब वो क्वेश्चन आ जाते तब हमको लगता है यार बात तो सही कह रहा था तो इस बात को ऊपर इस बात के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा अलग से ठीक है सो कानोट इंजिन है जिसकी एफिशियंसी है पचास

600 सो ही सही छे सो एक पचास परसेंट पचास परसेंट मत रख देना वो efficiency percentage में दी गई है आप 50 50 तो हाँ है आप का का कितना होता आधा चलो solve बहुत आसान one by two को उधर ये बचा उधर का आंसर आ गया तीन सो केल्विन, hmm. में जाने के लिए टू सेवेंटी थ्री माइनस करिए सत्ताईस डिग्री आंसर तैयार है सीधा सीधा

द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द दर्कमेर ऑफ अ सर्कल इज तो आपसे पूछा गया एंगुलर एक्सलेशन कितना होगा किसी बॉडी का अगर वो एक सर्कल में घूम रही है वो कितना होगा नहीं पूछ रहा है डायरेक्शन पूछ रहा है अलोंग 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 मतलब डायरेक्शन पूछ रहा है अब बच्चों क्लास की डायरेक्ट बात है जितने भी एंगुलर वाले वैक्टर्स होते हैं जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं चाहे वो टॉर्क हो चाहे वो उमेगा हो चाहे वो अल्फा हो ये सारे के सारे की कैटेगरी में आते हैं और लाया कभी कभी करता है वो डिपेंड करता है किस तरीके का है बट अभी इतना दिमाग नहीं लगा रहा है उन्होंने इतना नहीं दिया है उन्होंने लिखा है अलोंग बता दो बस किधर होगा पहला रहा है तो इस पर सीधा जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन टू वेरी इजी सीधा हो जाएगा अगर आपने एक छोटी सी लाइन सुनी होगी कि सारे थर्टी थर्ड क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग सेम लेंथ बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है organ pipe के अंदर और वो भी एक ओपन पाइप और एक क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहा है तो बच्चों अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के करें तो भी हो जाएगा जल्दी करना है डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते फॉर्मुला याद होता बहुत अच्छी बात है बट ठीक है अगर आपको याद है कि हमारा क्लोज पाइप ऐसा दिखता था और हमारा ओपन पाइप ऐसा दिखता था और दोनों की लेंथ बराबर है अब दोनों के फंडामेंटल फंडामेंटल केसेस केसेस याद याद जल्दी से याद में पे बनता था नोड पे बनता था एंटी नोड 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 और और इसमें 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 बीच में में बनता था node, और बगल बगल में बनते थे एंटी एंटी नोड्स राइट लेंथ होती थी के बराबर एक नोड मतलब के इसका मतलब इसके अगर लेमडा पता चल गए स्पीड ऑफ साउंड अगर अंदर दोनों में सेम रखी जाए तो यहां से आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेशो सो so, बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओपन इन क्लोज वी कट जाएगा जब आप रेशो निकालेंगे म्यू ओ म्यू सी ओपन अपॉन क्लोज इज इक्वल टू लेमडा का उल्टा रेशो लेन लेमडा ओ लेमडा सी लेमडा सी लेमडा सी लेमडा सी है फोर एल क्लोज्ड लेमडा ओ लेमडा ओ है टू एल आंसर हो गया टू इज टू वन कोई गलती नहीं वन इज टू टू भी वहां बैठा हुआ है गलती कर देंगे यही थे सवाल आपका प्लस चार से सीधा माइनस पांच हो जाएगा इसलिए इसका ध्यान रखिए इसका आंसर होगा टू क्योंकि वो कह रहा है ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप ठीक है, so, आपको ओपन ऊपर रखना था क्लोज को नीचे रखना था इस बात का ध्यान रखा जाए ओके, क्वेश्चन है बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ टू एटी मीटर पर सेकेंड दो सो अस्सी की स्पीड से बुलेट को फायर किया गया इन द डायरेक्शन थर्टी डिग्री द दॉरिजोटल

बट देखिए कभी कभी वो वैल्यू देते हैं और वो बेवकूफ नहीं है वो वैल्यू देते इसलिए है जिससे आपके कैलकुलेशन आसान हो जाए नीचे ऑप्शन देखिए हजार तीन हजार अट्ठाईस सौ दो हजार तो ध्यान रखिए वो वैल्यू इसलिए देते हैं कि आपका ही फायदा हो आप सोचते हैं हम इन पक जी क्यों यूज करें हम तो अपना लगाएंगे अपना लगाओगे तो कभी भी फंस भी जाओगे इसलिए ध्यान रखना जो ग्रेविटी वो दे उसका यूज किया जाए जेई के पेपर में भी ध्यान रखा जाएगा ठीक है ओके तो क्या बनता है इससे जरा ध्यान से देखिएगा तो फोर सेवन जैटी एट बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ठीक है और जरा इसका जीरो दे दो ठीक है नीचे क्या तैयार हो गया नीचे अगर आप देखें तो अच्छा चलो टू और निपटा बिल्कुल सही, अरे वाह, तो 98 फिर मैंने तुमसे कहा था ना क्या कहा था कि उनके जी की वैल्यू यूज कर लो फायदा होगा फिर तो उसका सही जवाब होगा Let's move to question number 35. अब क्वेश्चन जो मुझे पे दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का बहुत छोटे छोटे इसके अंदर टर्म्स होते हैं जो बस याद भी रखे तो भी कभी कभी क्वेश्चन हमसे बन जाता है तो जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तीस डिग्री का एंगल पे डायपोल रखा गया है

मीटर राइट मीटर अब पी जो बनता है ये खुद बनता था चार्ज इन टू डिस्टेंस याद है हाँ ये बन गया फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव राइट अब जरा ध्यान से देखिएगा चार्ज चार्ज कितना है निकालना है और डिस्टेंस इन्होंने हमें सेंटीमीटर में दे रखा है जो ना यूज करेंगे आप दो बटी सौ क्योंकि उधर मीटर में चल रहा है यूनिट सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है ये फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव

कि आने वाले पंद्रह क्वेश्चन में वैसे आपको केवल दस ही क्वेश्चन अटेप करने हैं राइट लेकिन हम यहाँ पर तो पूरे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हमें कैसे पता कि आपने उन में से 10 में से कौन क्वेश्चन करे करेंगे लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना चाहिए था और कौन सा नहीं करना चाहिए था क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं उस टाइम उनको छोड़ना ही सही रहता है राइट तो चलो अपन ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पे सो क्वेश्चन नंबर थर्टी अगेन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है डायपोल के बारे में

स्केलर so, क्वांटिटी होती है डायरेक्शन का कोई खेल नहीं खेलना है केवल वैल्यूज लिख है सो के क्यू बाय आर इसका पोटेंशियल इसका 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 so, so, नहीं नहीं, मतलब आपको ना के पुट करना है ना क्यू पुट करना है बस केवल वैल्यूज यूज करनी है के क्यू बाय आर की जगह यहां पर यूज होगा दो सेंटीमीटर क्योंकि पांच है पांच में से तीन गया तो बचा दो so, क्यू बाय आर इससे दूरी आपकी हो गई होगी पांच प्लस तीन आठ सो ये माइनस क्यू आएगा क्योंकि जगह आप यूज करेंगे सौ कर कर आ गया के क्यू आपको कॉमन दिख रहा होगा मैं के क्यू को कॉमन दे लेता हूं अंदर बचेगा सौ बटे दो और वहां बचेगा माइनस आर अगर सौ ऊपर से आएगा तो सौ बटे आठ राइट अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप के क्यू को हटा सकते हैं कॉमन हैं हंड्रेड को भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि टेन की पावर टू में आंसर देना है कोई समस्या नहीं होगी हंड्रेड भी कॉमन ले लीजिए टेन की पावर टू तो कुल मिला के सॉल्व आपको तो करना है एट टू फोर बार और वन एट वन बार सो आंसर होगा थ्री बाई एट सो थ्री बाई एट आएगा क्यू आएगा के आएगा और टेन की पावर टू आएगा जिसको उनको यूज करना है चलिए आंसर देखते हैं थ्री बाई एट किसके पास है सो so, ऑप्शन में हमारे पास एट बाय थ्री है कंफ्यूज करने के लिए लेकिन सही जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन थ्री बाई एट क्यू के सो डायरेक्ट क्वेश्चन है कोई समस्या नहीं है अच्छा कुछ बच्चे हो सकते हैं इसमें शॉर्ट डायपोल की कंडीशन लगाएं बस यहीं पे आपको बचना था शॉर्ट डायपोल मत लगाइएगा क्योंकि डायपोल से जो दूरी दी गई है वो कंपेरेबल टू द डिस्टेंस ऑफ द डायपोल है ऐसे में शॉर्ट डायपोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाया जाता राइट चलिए आगे बढ़ते

F नेट का आंसर 1 बाई एफ नेट का अच्छा आंसर ऐसी प्रोकल का आंसर जीरो होता है तो एक्चुअल वैल्यूज की इनफाइनाइट होती है तो इनफाइनाइट विल बी द राइट आंसर नॉट जीरो तो बच के रहना भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन दोबारा आया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चीज साबित होती है कि नीट के पेपर में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस उनका एक बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया so, 38 question है सो थर्टी एट क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है इन अ फिगर शोन हेयर

Concave की बात करते हैं अब देखिए अगर प्लेनो कॉनकेव का आपको आंसर डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेंस मेकर के द्वारा लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है, आर म्यू है और अपॉन टू माइनस वन अगर बायू

सो so, टू तो रह गई और म्यू माइनस वन इस बार न्यू बदल गया है 1.5 1.5 1.5 0.5 इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली अभी आंसर नहीं आया रहा है एक बार कॉन्वेक्स राइट चलिए दो बार कॉनकेव दो बार कॉनकेव माइनस के दो बार अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो पॉइंट का डबल हो जाएगा माइनस रहेगा और नीचे रहेगा एलसीएम में ट्वेंटी ट्वेंटी 20, 20 का एलसीएम हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी का एलसीम हो जाएगा ट्वेंटी और माइनस टू वन जोड़ के बनेंगे माइनस पॉइंट टू सो वन बाई एफ नेट का आंसर तैयार है ये पॉइंट हटाया दो सो या बना सौ माइनस सो

हमें यही आ रहा था तो हम क्या करें तो फिर तो यही करना चाहिए लेकिन अगर आपके पास एक वाइज चॉइस की बात करें तो आपको तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पार्ट में था आपको तो स्किप कर देना चाहिए था चलिए एनी anyway, हमने आंसर निकाल दिया आगे बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर अच्छा इस पे आ जाना पड़ेगा किसी की उंगली हाँ <laughs> so, uh, 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 आ आ गई सो क्वेश्चन नेक्स्ट रहा है मुझे तो ये पीएन जंक्शन डायोड ओके okay, ठीक है लॉजिक गेट का क्वेश्चन है लॉजिक गेट का क्वेश्चन बोलेन एलजेबा से भी किया जा सकता है लॉजिक गेट का क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से भी किया जा सकता है लेकिन हम सबसे सिंपलिस्टिक अप्रोच से करेंगे हम गेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम गेट्स के आइडेंटिशन से उनकी टेबल को बनाएंगे सबसे बेसिक तरीका होता है बच्चों बोलेन अगर आपको नहीं आता या कोई और तरीका नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिंपल आपको गेट्स की फंक्शनिंग पता है उससे आपका काम चल जाएगा चलिए तो गेट्स की फंक्शनिंग से काम चलाते थे वरना बोलेन से भी और थोड़ा जल्दी भी किया जा सकता है एनी anyway, अभी नेट से मैंने इनपुट दिए जीरो और जीरो दोनों कौन से गेट है नॉट गेट है नॉट गेट यहाँ पे आंसर बनाएंगे वन वन और अगर ये वन, वन वन बनाएंगे तो ये कैसा गेट दिख रहा है एंड लेकिन एंड के आगे एक जीरो लगा है मतलब नॉट सो तो इसका मतलब वन वन का एंड अगर होता तो वन आंसर देता लेकिन ये तो नैंड है तो नैंड में ये आंसर क्या कर देगा जीरो तो इसका मतलब जीरो जीरो का जीरो मिलेगा

दस सेकेंड पांच सेकेंड का जो मार्जिन है वो आप यहाँ पे बचा सकते हैं राइट अगर आपको लास्ट चेक करना है तो आप जीरो सॉरी वन वन से चेक कर सकते हैं अगर यहां वन वन हुए तो यहां जीरो जीरो होंगे और अगर यहां जीरो गेट तो जीरो तो तो प्लीज मैच मैच कराइए मैंने तो ऊपर के uh, बाकी लोगों को कैंसिल करके आंसर पता कर लिया मुझे पता नहीं इसके नीचे क्या है एक बार देख लेते हैं so, सो लास्ट है हाँ, बिल्कुल सही है हमने जो आंसर निकाले बिल्कुल सही एग्जैक्ट मैच हो रहे तो फोर्थ क्वेश्चन सॉरी थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू द फोर्टीएथ क्वेश्चन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन करेंट चैप्टर का है और कभी कभी इसको करंट चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है कभी कभी इसको थर्मल uh, फिजिक्स uh, में भी पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस का चेंज टेम्परेचर के साथ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ मेट चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सो so, क्वेश्चन हमको यहां पे कह रहा है

वेरी इजी फॉर्मुला बेस्ड ये आपको ऑप्ट करना चाहिए था लॉजिक गेट वाला आपको ऑप्ट करना चाहिए था क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है अगर आपको 10 सवाल चुनने थे तो आप ये दो सवाल बिल्कुल चुन सकते थे उनमें से चलिए आगे बात करते हैं फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है अ हॉरिजोंटल ब्रिज एक ब्रिज है जो कि हॉरिजोंटल है मैं क्वेश्चन टॉपिक बता देता हूँ टॉपिक काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में भी आ, आप जो टाइल मोशन पढ़ते थे चीजों को ऊपर नीचे फेंक के तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन है अब हॉरिजोटल ब्रिज ज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑफ द ब्रिज थ्रोज स्मॉल बॉल वर्टिकली अवर्ट्स वर्टिकली अवर्ट्स मतलब कैटेगरी में आ रहा है विदोसिटी ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड चार मीटर पर सेकेंड से यू पॉजिटिव है द द बॉल स्ट्राइक्स वॉटर सर्फिसकेंड चार सेकेंड के बाद बॉल आपके पानी के सर्फिस में टकरा गई आपने ब्रिज के ऊपर से फेंका था आपको ब्रिज की हाइट बतानी है छोटा सा डायग्राम बनाएंगे छोटे से डायग्राम से हमारी इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है सो सुलेट से ये ब्रिज था ये नीचे पानी था आपकी ये हाइट निकालनी है आपने बॉल को ऊपर फेंका था चार मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेविटी इन्होंने खुद दे रखी है माइनस दस और माइनस दस यूज करेंगे सर लगाया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल जरूर करते हैं सो so, ग्रेविटी है माइनस दस हमको गिरानी है एच आईट चार सेकंड के अंदर कार्यक्रम खत्म हो जाना चाहिए सीधी क्वेश्चन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चलिए स्टार्ट करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर

फाइनली माइनस एच का आंसर आ गया है माइनस एच का आंसर है माइनस का 64 सिक्स so, एच था. था. था कर सकते थे इन गिवन टाइम फ्रेम ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अभी देख के लग रहा है ग्रेविटेशन का नो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं है

तो मुझे यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी मुझे टाइम पीरियड का पूरा एक फॉर्मला बनाना पड़ेगा एक गोल घुमाने के लिए मुझे ऑर्बिटर स्पीड का फॉर्मला बता होता है टू बाई आर बाई वी करना पड़ेगा टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनल टू क्यूब लगाना पड़ेगा और वहाँ कैसे भी करके डेंसिटी के टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा है ना

तो ये डायमेंशन ऐसे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं कई बार नीचे नीचे बात करते हैं नीचे बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मला नहीं पता तो फट ना बगल जल्दी आंसर आएगा ठीक है एफ ओप एम एल टी माइनस टू यद होना चाहिए था अब यहाँ के लिए बना पड़ेगा मास इन टू एक्सन में लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो बहुत मैटर हो जाएगा इसलिए फोर्स रट के जाइए टी माइनस टू

बच सकता था एनीस वन एल क्यू टी माइनस टू नीचे लिख लिख देता हूं, M -1 -T -2, नीचे देता हूं, और लास्ट यहां पर देता हूं, देंसिटी। अब देंसिटी बनती है पावर माइनस थ्री तो यहाँ तो तो पे बनेगा एम एल माइनस थ्री ओके सो मेरे पास फाइनल आंसर में एम नहीं बच रहा है एल नहीं बच रहा है और मेरे पास टी की पावर माइनस टू

थ्योरी से रिलेटेड है बोर की थ्योरी में आपने रेडियस वेलोसिटी, एनर्जी अलग अलग का निकालना सीखा हुआ है उसी से रिलेटेड सवाल है पढ़ते हैं into 10 की पावर -11, सबसे छोटा रेडियस बता रहा है या आपको वॉट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एन इक्व थ्री के बारे में बात कर रहा है थोड़ा की वर्ड पर ध्यान दे

द मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का वैसे फॉर्मुला होता है आई डी एल क्रॉस बी अगर छोटे एलिमेंट की बात करते हैं और बड़े एलिमेंट की बात करते हैं तो L cross B. तो एल क्रॉस बी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एल वेक्टर को लिख सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है करंट आपका आई कैप में है सो तो आप एल को लिख सकते हैं आई कैप में सो तो यहाँ लिख सकते हैं एल आई तो कैप तो और मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा वेक्टर में दिया गया है टू आई कैप प्लस थ्री जी कैप माइनस फोर परेशान क्रॉस परेशानोड करने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा आप डायरेक्टली क्रॉस करके आंसर निकाल सकते हैं। रास्ता दिख रहा हैं। पर मैं है जो भी करेंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है वो केवल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा सकती है बट ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेट है हमारे वायर के वही फोर्स लगाएंगे राइट

इसका सही जवाब होता तो यहाँ पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेहनत थोड़ी सी बचा रही है बट अगर आप उस रास्ते से भी जाते, तो आपका आंसर वेक्टर में भी आ जाता और भी रहता। ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था एनी so प्रॉब्लम ठीक है आगे बढ़ते हैं फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन की 45th क्या है सो दी फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है एन है सी है नीचे भी फ्रीक्वेंसी विक्वेंसी सब कुछ दी गई है इम्पीडेंस के बारे में पूछा गया ओके Z भैया Z का फॉर्मला सबको तो याद होगा अंडर रूट ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर सर उल्टा लिखते हैं ना कभी कभी कुछ भी लिख लो यार स्क्वायर होना है प्लस आर स्क्वायर ठीक है चलो पहले एक काम करो एक्सी और एक्सएल निकाल लो क्योंकि तुम्हें जेड पूरा निकालना है तो मेहनत इसके अंदर खिचड़ी खिचड़ी मत खेलना पहले एक्सी निकालना फिर एक्सएल निकालना फिर आर तो दिख जाए फिर करेंगे स्क्वायर बढ़िया तरीके से पहले एक्सी निकालते हैं तो बच्चो एक्सी बनता है By omega C से अच्छा इन्होंने नहीं दिया है है तो तो एक काम करते हैं 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 को लिख देते है, pi f, pi def, f देते ठीक की जगह रख कर लेते हैं 100 पाई है ठीक है सो ओमेगा क्लियर हुआ अब ओमेगा को मैं यूज और सी की वैल्यू देखो कितना सुंदर वैल्यू दी हुई है आपको बना बना के दिया ले बेटा पाई नीचे ले ले जिससे तुम्हारे पाई का आंसर में कोई रोल ना रहे सो so, तुम अपने C को यूज कर लेना माइक्रो पा का पावर थ्री अपॉन पाई टेन की पावर माइनस सिक्स एक दो तीन चार पांच टेन की पावर माइनस वन पाई पाई, पाई 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 से हिसाब हिसाब हो गया का 10 की पावर माइनस वन उसका ऊपर प्लस टेन ओम्स ये बन गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस अब ऐसे निकालेंगे अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए एक काम करते हैं यहाँ पे जगह बना लेते हैं एक्सेल को ठीक है यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा मैं इधर चले जाता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं एक्स एल चलो मेरे को इस वाले को सवाल में ले जाना चाहिए ठीक है एनी वे एक्सएल उमेगा एल अच्छा उमेगा तो आई तेरे पास सौ पाई ज्यादा मेहनत नहीं है एल की वैल्यू ध्यान रखना टाइम में दिए मिली में दिए ओके फिफ्टी बाई पाई देख फिर पाई पाई का हिसाब हो गया अब बता मिली में क्या टेन की पावर माइनस थ्री अब चलो ध्यान से देखिएगा एक दो तीन एक दो तीन अरे ये तो पाँच वो मारा है चलो अब सबके एक्सी पता चल गया एक्सएल पता चल गया आर दिख रहा है अब तुझे तो बस पच्चीस दस का स्क्वायर होता है सो अंडर रूट ऑफ एक सो पच्चीस अंडर रूट ऑफ एक सौ पच्चीस होता है फाइव रूट फाइव ओके, okay. यस, yes, so, इसका सही जवाब हो गया right? चलिए, अच्छा, यस. Yes. अगर करना होता तो ये करते मेरे हिसाब से वो पांच क्वेश्चन ढूंढते तो इसको छोड़ा जा सकता था आप देख रहे कैलकुलेशन बढ़ रहा है तो यहां टाइम वेस्ट करने से अच्छा किसी और क्वेश्चन में टाइम बचाएं ठीक anyway, okay, है एनीवे हमने सॉल्व किया मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सॉरी नीचे

मेरे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली मैंने बताया बच्चों में कि अगर कुछ कॉम्बिनेशन को अगर आप पहले सीरीज में लगाते हैं और अगर उसी कॉम्बिनेशन को अगर आप पैल में लगाते हैं तो करंट डायरेक्टली एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है अगर इतना सा पता होता तो मेरे हिसाब से आप सीधा एन का आंसर बताते है टाइम्स इंक्रीज करने तो एन स्क्वायर हो जाता है सौ हो जाता, हो जाता लेकिन मैं अभी आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ तो सॉल्व करके दिखाता हूँ वाला क्वेश्चन पहले दस रजिस्टर पैल में है तो करंट मान लेते हैं आई अच्छा पैलल में क्या होता है

पहले सीरीज में लगाया था फिर ने तो मतलब मेरा उल्टा हो गया सो so, आप चेंज कर लीजिएगा आंसर ही ही आएगा पहले बता चुका था क्योंकि मुझे डायरेक्टली हाथ था बच्चों को भी याद रहना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ओके ठीक है भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज डायरेक्ट एनसीआर टी का सवाल है अगर आप मेरे फ्रिक्शन के लेक्चर्स देखेंगे तो मेरे फ्रिक्शन के लेक्चर्स को मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ उसमें कॉन्सेप्ट है एक जिसमें मैंने एक गाड़ी बनाई गाड़ी बने नहीं बनाई गाड़ी बनी बनाई रही थी उसमें एक डब्बा रखा है और वो डब्बे को कहते हैं गाड़ी इतनी तेज चलाओ कि डब्बा ना सरके और डब्बा ना सरती की कंडीशन होती है कि गाड़ी का मैक्सिमम एक्सेशन आता है न्यू एस जी अगर आपको डायरेक्टली याद होता तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर पा लेते और ये वो क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए था वहाँ पर राइट सो डायरेक्ट आंसर होता ए मैक्स का न्यू एस जी क्या आपको म्यू एस याद दिया हुआ है आ, दिया है, तो जी की वैल्यू उन्होंने खुद बोली है दस लेंगे तो आंसर हो जाता वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच विल बी ऑप्शन ए अगर किसी को ये जानना है कि म्यूएस जी कैसे आता है तो उसको फिर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी उस पर ट्रक पे खड़ा होना पड़ेगा एक सूढ़ो फोर्स लगानी पड़ेगी फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा वहां से वो आंसर निकलेगा लेकिन इतनी मेहनत ना करें मैंने आपसे तो बोला NCRT के डायरेक्ट करेंटीप्ट घर से पढ़ के जाए so, म्यूएस जी इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड फोर्टी सेवन हमारा हो गया है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लास्ट वॉलम आ चुका है ओके सो फोर्टी एट क्वेश्चन फोर्टी एट क्वेश्चन Is based on XT graph, time graph, आपको दिया गया है किसी पार्टिकल का जो कि एस एच एम परफॉर्म कर रहा है particle, seconds, पर पार्टिकल एटीक दो सेकंडिकल का एक्सेलरेशन बताना है आप जरा ध्यान से देखिएगा दो सेकेंड पर कहा बहुत अलग अलग तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं कुछ लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं

अब जरा उमेगा का स्क्वायर लाने के लिए ये इन्होंने दे रखा है टाइम टाइम सो पीरियड बाई चार चले पाई का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर पुट नहीं करना है उन्होंने ऑप्शन सारे पाई स्क्वायर में पाई जरा ध्यान से देखा जाए मीटर सिस्टम चल रहा है मतलब यूनिट पे कोई दिक्कत है

आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन लेटमी चेक लेटमी चेक लेटमी चेक ओके फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काइनामेटिक्स अगेन मैं अपनी क्लास में एक uh, कार्डबोर्ड वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ और कभी कभी एक जैकेट वाला बुलेट प्रूफ जैकेट वाला क्वेश्चन कराता हूँ उसके अंदर एक बुलेट आती है अंदर घुसती है और हम पूछते हैं कि कितनी जैकेट पहननी चाहिए कि बुलेट अंदर रुक जाए है ना एक जैकेट का आंसर हम बताए थे कि बुलेट की स्पीड इतनी कम हो जाती है और बहुत सारी जैकेटों के आंसर आपसे पूछे जाते हैं कि कितनी जैकेट पहननी चाहिए वैसे ही कुछ सवाल है बट अभी मैं इसको टोटली सॉल्व करने वाला हूं ध्यान से देखेंगे अब बुलेट फ्रॉम अ गन इज एक्सपायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ स्पीड यू वेन द बुलेट ट्रेवल्स ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक जब चौबीस सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर घुस चुकी है वो थ्रू लेंथ हॉरिजोटली हॉरिजोटली गई है घुसी so और यू बाई थ्री वेलॉसिटी हो गई जब चौबीस सेंटीमीटर अंदर घुसी है देन इट फर्दर पेनेट्रेट इन टू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एक्जैक्टली एट द अदर एंड मतलब ब्लॉक इतना इतना ही चौड़ाई है कि वो बुलेट जस्ट कुने पर अगर हो गई है आपसे पूछ रहा है बताइए ब्लॉक की कितनी लंबाई है

केवल जरा डिस्टेंस चली वो जरा डिस्टेंस लिख लेते सेंटीमीटर वेलोसिटी हो गई से यू तो क्या आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं अंदर कुछ रिटार्डेशन मानते हुए लो नहीं लिखना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता एस डिस्प्लेसमेंट चौबिस किसी को लग रहा फर्क नहीं पड़ता तो क्यों नहीं लिख रहे माइनस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चौबीस सेंटीमीटर अगर तुझे मीटर में में। कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, है कर ले आंसर सेंटीमीटर करने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। एक बार और लिखेंगे और इस बार यहां से और 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 लिखेंगे इस से जस्ट यहां पर बुलेट को रोक लेंगे तो so, ये डिस्टेंस so, अच्छा नहीं लगता है <laughs>

थर्ड ऑप्शन सो मेरे हिसाब से अगर आप ये टाइप का से, से, तो फिर वहां पर आपको ऑप्ट करना चाहिए था छोड़ना नहीं चाहिए था आर ऑन क्वेश्चन ऑफ द पेपर एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए है फिफ्टी एथ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर मैं अभी भी अपने थ्योरी ऑफ फिजिक्स का मॉड्यूल खोलू

Right सेमी से इनफाइनाइट वायर दो सेमी सर्कल तीनों की डायरेक्शन तो इनफाइनाइट जुड़ेंगे कटेंगे तो नहीं तो सीधा इनफाइनाइट का आंसर लगा दी देखा चला की कर दी जा सकती है म्यूनोट आई अपॉन टू पाई डी और डी डिस्टेंस की जगह आप रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं so, सो म्यूनोट आई अपॉन टू पाई डी टू पाई डी दो बार और डायरेक्शन का रखें ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड पे क्रॉस 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 लगा डोंट मतलब मतलब गलत नहीं है मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों वायर की वजह से मिला है आपको ठीक है और डी की जगह मैं फिर से आर को यूज कर देता हूँ ठीक है कोई समस्या आगे बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट और सॉरी सेमी सर्कुलर पार्ट सेमी सर्कुलर पार्ट जो आंसर देगा वो उसके लिए राइट हैंड रूल चेंज हो जाता है इसमें उंगलियों कमाते हैं तो आंसर मिलता है सो so, इससे आपको डायरेक्शन बाहर मिल रही है तो मतलब ये आंसर पिछले वाले आंसर से अलग भी आएगा और डायरेक्शन में भी अलग होगा करेंट सेम दौड़ रहा है पूरी रगो में एक सा करेंट दौड़ रहा है सबके खून एक से अपॉन टू आर और फिर से क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो वन बाई टू अलग से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे फोर आर और ये डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं है सॉरी ये डायरेक्शन इसको मैं इरेज कर देता हूँ आ, थोड़ी सी मेहनत है इरेस करने में चलो ठीक है और ये डायरेक्शन फाइनली बाहर की तरफ है राइट आप ऐसी अगर चेक करना चाहें तो इसके पास नीचे आ, पाई है और इसके पास नीचे टू है जिसके पास छोटा बड़ा टर्म होता है उसका ओवरऑल टर्म छोटा हो जाता है मतलब जीतने वाला आदमी ये है अगर आपसे गलती भी हो जाए अगर आप नहीं गैस कर पा तो माइनस तो कर ही दीजिए देखा जाएगा आंसर में कौन जीता कौन हारा तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं न्यू नॉट आई बाई टू आर कॉमन ले रहा हूं तो और मैं इसको जिता रहा हूं उसके पीछे जिताने के पीछे का रीजन मैंने अभी भी आपको बताया इसके पास नीचे बेस में टू है बाकी तो कॉमन है बेस में में है है इसके पास डिनोमिनेटर पाई है, राइट तो पाई बड़ा होता है तो ये टाउन छोटा पड़ गया बेचारा जबकि ये दो वायर की वजह से फिर भी छोटा पड़ गया है चलो तो कितना बना आंसर वन बाई टू माइनस वन बाई वन बाई टू माइनस वन बाई पाई राइट अगर आप एक टू और कॉमन निकाल लें क्योंकि मुझे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है छोटा सा तो नीचे फोर दिख रहा है। तो अगर मैं टू भी बाहर तो जीती है ने, तो इसका फाइनल आंसर अवे होगा और मुझे लगता है पहला आंसर ही ये कह रहा है खैर मैं पूरा ऑप्शन पढ़वा देता हूँ पूरा ऑप्शन है आपके पास म्यूनो टाइव बाई फोर है पेज अवे मतलब की तरफ पेज इसका आंसर नहीं होगा सो so, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था डायरेक्शन का खेल खेल के आप सही जवाब ढूंढ सकते थे सो फाइनल एनालिसिस पेपर का लेवल माना जाए तो काफी बैलेंड uh, पेपर था सारे टॉपिक्स को लगभग लगभग टच किया गया कुछ टॉपिक्स होंगे जो क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बताए जाते होंगे लेकिन वो टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस में वो कितने चैप्टर्स हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं क्या कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस में वो कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन एक ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो पूरा का पूरा पेपर हमारे NCRT लेवल से था हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं थीप्ट कौन सा बनाना है किताब से करें दूसरा काफी ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे एक या दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे पिछले साल की तरह तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजिंग पेपर नहीं था बहुत सारे न्यूमेरिकल थे

अब जो रह गया है उसके बारे में बात कर रहे थे छोटी से बच्चों जब तक पेपर नहीं होता सारे टीचर चिल्लाते हैं कि जितना अच्छा हो सकता है करो जितना दम लगा सकते हैं लगाओ जितनी ताकत है उतनी ताकत झोंक दो लेकिन एक बार पेपर हो जाता है ना तो हम लोग भी बींग अ टीचर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ हम लोग भी अपना आ, इनका जो नेचर है वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि 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 अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता लेकिन अब जो आने वाला है उस पर हमारा कमांड है उस पर हमारे पूरे राइट्स है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो जितने बच्चों को लगता है कि इस पेपर को देख के कि हम लोग यार अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं तो आपके लिए पूरा मैंने एक एनालिसिस कर रखा है आपको अपनी कमियां पता चल गई होंगी आई विश कि आप नेक्स्ट ईयर और अच्छे से और अच्छी तैयारी के साथ बैठे अगर आपके इस साल में उतने नंबर नहीं बन रहे और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो अभी थोड़े डिलेमा में होंगे जिनका मार्क्स उस रेंज में आ रहा होगा उनको लग रहा है सर सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सो so, मेरा एक छोटा सा राय रहता इस है इसमें मेरी एक ओपिनियन रहती है कि देखो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो दो तीन महीने रिजल्ट और काउंसलिंग वाला होगा ये आपका पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा राइट अगर ये दो तीन महीने में आप थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर लेंगे तो अगर मान लीजिए काउंसलिंग में नहीं हुआ तो कम से कम आप आधे रास्ते तो पहुंच गए होंगे आपके कुछ चैप्टर्स कुछ वीकनेस आपने अपनी ओवरकम तो कर ली होंगी लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप फिर वहां पे दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये जो लोग डिलेमा में हैं उनके लिए मेरी ये राय रहेगी ओपिनियन रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई आज से तो नहीं ऑब्वियसली आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल जो लोगों का क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे पास इतना स्कोर है कि हम लोग किसी कॉलेज में एंटर कर सकते हैं सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ऐसा हो और आप भी बहुत अच्छे कॉलेज से एम बी बी एस या जो भी टाइप का कोर्स आप करना चाहें या सब अपने अपने ऑप्शंस होते हैं उस तरीके के ऑप्शन आप एक्सप्लोर करें और आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज प्राप्त हो सो थैंक यू सो मच बच्चों मिलता हूँ मैं आपको क्लास में हेराइट